this haul starts from only rupees 199. Thinking of you, thinking of you. वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप एंड प्रे आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. इफ यू आर वॉचिंग दिस स्पेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई एम काजल एंड आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, हॉल रिलेटेड वीडियोज एंड मच मोर. सो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे रेगुलरली वॉच करते हैं, वो सब जानते हैं दैट आई एम नॉट वेरी एक्टिव रिसेंटली ऑन यूट्यूब बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. वो भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी. और बात करते हैं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए बिकॉज इट इज़ अ ऑफिस वेयर हॉल. इसमें ये एक मिक्स हॉल होने वाला है जिसमें कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, इंक्लूडिंग बैग्स, प्लाजोज, पैंट्स, कुर्तीज, शर्ट्स, ऑल एंड ऑल. ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है फॉर ऑल दोज गर्ल्स हु गो टू वर्क, हु गो टू ऑफिस. और मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इंक्लूड करी हैं वो सारी, मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक मिक्स हॉल है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स से मैंने लिए हैं, मिंत्रा से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अर्बैनिक से, अमेजोन से, मतलब मैंने किसी भी वेबसाइट को नहीं छोड़ा है. तो ये एक मिक्स हॉल होने वाला है और ये हॉल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा और प्राइस की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा लो से मीडियम प्राइस रेंज है. और दिस हॉल स्टार्ट्स फ्रॉम ओनली रुपीज 199. यस, यू हर्ड इट राइट, 199 रुपीज से स्टार्ट होने वाला है. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है _काजल_मेहरा_. वहाँ पे आपको मेरी काफ़ी सारी रील्स दिखेंगी रिलेटेड टू हेयर स्टाइलिंग, गेट रेडी विद मी एंड मच मोर. सो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर से कर लेना. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी अलॉट. सो और अब ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली हॉप इनटू द वीडियो. ओके, सो जो वेरी फर्स्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इज दिस वेरी प्रिटी एंड क्लासी बैग. ये बैग मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करा था एंड इट इज परफेक्ट फॉर ऑफिस गोइंग गर्ल्स. सिर्फ ऑफिस के लिए ही नहीं, ये एक मल्टीपर्पज बैग है. ब्लैक बैग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वर्सेटाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी कर लिया है, तभी मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ. मतलब मैं जितने भी रिव्यू शेयर करती हूँ, मैं पहले उस चीज़ को यूज़ करके देख लेती हूँ, मैं तभी आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ. तो फॉर मी इट हैज़ वर्क परफेक्टली और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इट रिटेल्स फॉर जस्ट 400 रुपीज़. और लिंक्स जितने भी हैं मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. और बात करते हैं इसके कंपार्टमेंट्स की. इसमें अच्छा खासा एक सिंगल कंपार्टमेंट है, उसी में एक अंदर पॉकेट्स वगैरह गिवन है, एक ये है और एक यहाँ पे स्मॉल पॉकेट यहाँ पे है, इसमें आप अपना कैश वगैरह रख सकते हो. और एक सिंगल कंपार्टमेंट है इस तरीके से एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है. ये देखिए, इसमें एक जिप है बस और इस तरीके से इसका लुक आता है. और इसकी स्किन जो टेक्सचर है वो क्रॉप टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लगता है. और प्राइस की वजह से तो मुझे ये और ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड लुक एट दिस बैग गाइज, इट लुक्स सो गुड. ये इतना ज़्यादा, मतलब हाई एंड लुक प्रोवाइड करता है ना, दैट लव दिस बैग. यू कैन ऑल्सो चेक दिस बैग आउट, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो. ओके, सो जो नेक्स्ट आइटम आई एम गोना शो यू आर दीज बेज ट्राउजर्स. आई होप इट इज विजिबल.
ट्राउजर्स तो बहुत ही ज्यादा असेंशियल होते हैं यार। मतलब ये जब से ट्राउजर्स आए हैं ना, तब से मैंने जीन्स पहनना ही छोड़ दिया है। इतने ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इतने ज्यादा कि कुछ और पहनने का मन ही नहीं करता है यार। और ऊपर से इसका मतलब मटेरियल बहुत ही ज्यादा, ऊपर से इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और ब्रीदेबल फैब्रिक बोलते हैं ना जो, वो इस टाइप का फैब्रिक है इसका। एंड इसमें कोई पॉकेट्स वगैरह अटैच्ड नहीं है, एक सिंगल यहाँ पर हुक प्रोवाइडेड है। चेन भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, आई मस्ट से दिस। और ये मैंने अर्बानिक से परचेज करा था, इन द साइज स्मॉल, और स्मॉल साइज मेरे को हल्का सा लूज हुआ है। तो फिर आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही इसको लेना। और इसका प्राइस था समवेयर अराउंड 1200 या 1500 के बीच में था। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और बेज कलर और ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ऐसे कलर्स होते हैं ना जो कि हर एक टॉप के साथ चले जाते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि यू मस्ट इन्वेस्ट इन दीज पैंट्स। और इनकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है, फ्लोर लेंथ है। आई डोंट लाइक दोज क्रॉप्ड पैंट्स। तो मैं जितनी भी पैंट्स या फिर बॉटम्स जो भी लेती हूँ ना, तो वो मैं देखती हूँ कि उनकी जो लेंथ हो वो फ्लोर लेंथ हो। मुझे क्रॉप्ड पैंट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो या सो नेक्स्ट आइटम इज ऑल्सो अ पैंट्स। ये ब्लैक पैंट्स हैं और ये मैंने परचेज करी थी फ्लिपकार्ट से। और ये कॉटी की पैंट्स हैं, इन द साइज 26। ये 26 साइज में है। और आई मस्ट से ये जो मैंने अभी आपको अर्बानिक की पैंट्स दिखाई उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। वो कहाँ 1200 या फिर 1600 रुपए की थी, और ये सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए की थी। बट इट डज इट्स वर्क, ठीक है? ओके, फंस गया है कहीं पे। इट डज इट्स वर्क, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की पैंट्स हैं। एंड वो मेरे को, मैंने आपको बताया था कि हल्की सी लूज हो रही थी, बट इट फिट्स माई वेस्ट परफेक्टली। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की भी है, ऐसा नहीं है कि 400 रुपए की है तो क्वालिटी बेकार होगी, नो। और प्रॉपरली हाई वेस्टेड पैंट्स हैं, फ्लोर लेंथ पैंट्स हैं। पर इसमें बस एक ड्रॉबैक है कि इसमें पॉकेट्स नहीं है। अगर पॉकेट्स होती तो सोने पे सुहागा हो जाता यार। बट 400 रुपए के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी और बहुत ही ज्यादा अच्छी पैंट्स हैं। मैं तो इसको हाईली रेकमेंड करूंगी, और तो आई विल हाईली रेकमेंड यू दिस पैंट्स। ओके, सो जो नेक्स्ट आउटफिट, सॉरी, जो नेक्स्ट आइटम है वो है दिस ब्लैक शर्ट। मैं आप जब आपको इसका प्राइस बताऊंगी ना, आप शॉक हो जाओगे और आप मेरे को बिलीव नहीं करोगे। बट आप पहले इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ देख लो, फिर मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। परफेक्ट क्वालिटी, स्मॉल साइज में ये है। और ट्राई ऑन भी मैं अटैच कर दूंगी साथ के साथ, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज की शर्ट है गाइज। यस, आई एम नॉट किडिंग यू, इट्स इट रिटेल्स फॉर जस्ट 199 रुपीज। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी की है, और ये मैंने मीशो से परचेज करी थी। सो जब मैंने इसको परचेज किया था, मेरे मतलब मेरे को इससे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ऑब्वियसली यार, 200 रुपए की शर्ट से आप क्या ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लोगे। बट जब मैंने इसको यूज करा, आई फेल इन लव विद इट यार। ये इतनी ज्यादा अच्छी शर्ट है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। और लेट मी टेल यू, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। तो यस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी शर्ट है, और एंड आई जस्ट लव 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 दिस शर्ट। और ब्लैक शर्ट तो ऐसा होता है कि फॉर्मल वेयर में बहुत ही ज्यादा आपको काम आती है, और मेरी तरफ से तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस शर्ट। सो नेक्स्ट आइटम इज दिस कुर्ती। कुर्तीज आर जस्ट लव, आर माई लव, बिकॉज ये मतलब अगर आपके पास एक कुर्ती हो ना, आपको एक्सेस एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ता कि क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्लस कंफर्टेबल होती हैं। और ऑफिस वेयर, इंडियन ऑफिस वेयर के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको दीज टाइप ऑफ कुर्तीज। और ये कुर्ती मैंने अमेजोन से परचेज करी थी, एंड ये इट रिटेल्स फॉर अराउंड 600 या 700, ऐसे ही कुछ। आई विल मेंशन द एग्जैक्ट प्राइस। और फैब्रिक है इसका कॉटन, साइज इसका है स्मॉल, एंड
इट फिट्स मी परफेक्टली, जैसे कि एक कुर्ती को फिट होना चाहिए. बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं, पर इट इज़ अ रियली गुड फैब्रिक. इसमें आपको बिल्कुल भी गमी आप में इसको बिल्कुल इसमें आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी. बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल एंड कंफर्टेबल फैब्रिक है ये, और इसकी प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. और कुर्तीज़ तो आई विल हाईली रिकमेंड यू, एंड दिस कुर्ती इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग कुर्ती. सो इट इज़ अ येस 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 फ्रॉम माई साइड. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस चिकनकारी कुर्ती. ओके, मैंने इसको वॉश करके रखा था. मैं इसको सीधा कर लेती हूँ. सो इट इज़ अ कॉटन चिकनकारी कुर्ती, वन ऑफ माई फेवरेट्स. और ये मैंने मीशो से परचेज करी थी. आई होप इट इज़ विजिबल. इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब समर फ्रेंडली फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक है. और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की गई है, बिल्कुल भी चीप नहीं लगती है. और स्लीव्स जो हैं इसमें 3/4 स्लीव्स हैं. स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बैक पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है. और जो नेक है वो राउंड स्लिट नेक है, बहुत ही ज़्यादा जो स्मार्ट लगता है. और ये जो कुर्ती थी ये काफ़ी लॉन्ग कुर्ती थी, बट मैंने इसको कट शॉर्ट करवा दिया बिकॉज़ ये मेरे को शॉर्ट ज़्यादा पसंद आ रही थी. और इसका प्राइस समवेयर अराउंड 250 रुपये या 300 रुपये के बीच में था. और उसके हिसाब से इट इज़ अ वेरी नाइस कुर्ती. इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस कुर्ती. सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. मेरे को ये वीडियो शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. और यू नो वॉट, मैंने काफ़ी टाइम से एक अच्छी वीडियो नहीं बनाई हुई थी. मैं टाइम ही नहीं दे पा रही थी, पता है, अपनी वीडियोज़ को. और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था उसके लिए. एंड आई नो कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस करा, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द मैसेजेस. इससे मुझे पता चला कि भले ही मेरी सब्सक्राइबर कम्युनिटी अभी छोटी है, बट आई गेट टू नो कि कितना ज़्यादा आप मुझे प्यार करते हो. एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस जो आपने मुझे भेजे हैं. मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, दैट अपार्ट फ्रॉम माई ओन फैमिली आई हैव अ 4K+ फैमिली. दे आर ऑल्सो सिटिंग एंड वॉचिंग मी. आई जस्ट लव यू गाइज. थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. अब जो वीडियोज हैं वो बैक टू बैक आएंगी, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर मी एनी रिक्वेस्ट या फिर एनी डिमांड ऑफ योर्स. सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल जरूर से रही होगी. सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय. Thinking of you, thinking of you.